दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर की मेहरौनी विधानसभा, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक फिरल लाल अहिरवार पर भरोसा जताया है और उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं उनके साथ में और भी लोग जो है टिकट मांग रहे थे, दावेदारी पेश कर रहे थे, चाहे सिल्फी रजक हो, चाहे रामविलास भैया हो, और भी एक रजक साहब हैं जो पूर्व में एक प्रत्याशी रहे हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे। ऐसे में रामविलास रजक ने अपनी दावेदारी सबसे सक्रिय प्रत्याशी के तौर पर पेश की थी और लगातार हर कार्यक्रम में वो अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे थे। शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया फिरल लाल अहिरवार पूर्व विधायक, एक अच्छे नेता, जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़, कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ और जनता के बीच में भी अच्छी पकड़, और ललितपुर का इतिहास उठा के देख लो फिरल लाल अहिरवार ने किस प्रकार की राजनीति की है। लेकिन मौजूदा स्थिति में फिरल लाल अहिरवार कोविड से घिसते और बीमार थे, उसके बाद लगातार उनका इलाज चला, एक लंबा समय से इलाज चला है और आज भी वो वैसे ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रचार में जा रहे हैं, कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जो एक्टिवनेस जो ठीक लोगों की होती है, जो पूर्व में होती थी, वो नहीं है। कुशल वक्ता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने अपने तर्क रखे और ये तक कहा कि मंत्री मनोहर लाल पंत तीसरे नंबर पर आएंगे, हकीकत में जो स्थिति उन्हें दिखाई दे रही होगी वो बोलते नजर आए, उनका अपना व्यक्त कहें कि शब्द थे। उसके बाद हम लोगों ने उनसे प्रेस वार्ता के बाद अलग से एक इंटरव्यू किया, उसमें भी उन्होंने चर्चा की, रामविलास के बारे में पूछा, नाराजगी के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि हमें शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है और हमारे लिए टिकट दी है और हम जीत कर आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर उसके बाद चर्चाएं आम हुई, सुबह से ज्यादा चर्चाएं आम है कि फिरल लाल अहिरवार को लखनऊ बुलाया गया है और कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला, कुछ परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि रामविलास रजक भी लखनऊ ढले हुए हैं और इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर आम हो रही थी कि फिरल लाल अहिरवार के विरोध में वहां से प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, और भी सिर्फी रजक का भी कुछ कई जगह सोशल मीडिया पर नाम आए, नाराजगी साफ थी, गुटबाजी साफ थी, अलग चीजें दिखाई देने लगी थी। जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी से जब हमने ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन दबे मुद्रा में ये बात सीधी सीधी दिखाई दे रही थी कि फिरल लाल अहिरवार जी के स्वास्थ्य के कारण कुछ पॉइंट है जो उनके निगेटिव है, बाकी सब कुछ ठीक था। लखनऊ बुला लिया गया है, क्या होने वाला है, क्या वहां पर चल रहा है, क्या परिवर्तन होगी सीट, ये तमाम प्रश्न है। आम आदमी अटकलें लगा रहा है, हम भी अटकलों पर ही चर्चा कर रहे हैं, अटकलों की चर्चा के बीच में आप लोगों से जवाब चाहते हैं कि क्या फिरल लाल अहिरवार की टिकट बदल काट के और रामविलास भैया को दी जाएगी। पूर्व विधायक फिरल लाल अहिरवार चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जनता के बीच में जनता क्या समझ रही है उसके बारे में आप कॉमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर रखें, और देखते हैं अखिलेश यादव इस स्थिति में क्या करते हैं, फिरल लाल अहिरवार को ही चुनाव लड़ाएंगे या रामविलास भैया, इन दो में से कौन सा व्यक्ति सामने आ सकता है प्रत्याशी के तौर पर, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।